हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का बढ़िया होना हमारी वीडियोस के लिए ज़रूरी है। आज ये टीका देख रहे हो, जैसे कि भाई दूज से, तो सभी को हैप्पी भाई दूज, सारी बहनों को और सारे भाइयों को। तो भाई दूज सेलिब्रेट के लिए इसका व्लॉग नहीं किया, क्योंकि ये पर्टिकुलर व्लॉग मैं सिर्फ रखना चाहता था आज ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने कोच के साथ ट्रेन करने, बहुत टाइम बाद, मतलब व्लॉग के लिए बहुत टाइम बाद, वैसे जनरली करता रहता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं अपने कोच के साथ ट्रेन करने। ट्रेन करेंगे बैक और बाइसेप्स, सॉरी बैक और ट्राइसेप्स, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा चेंज है। तो वो चलते हैं और अभी अपनी स्कूटी रिलेटेड स्कूटी चलते हैं, क्योंकि यार दिल्ली में इतना ज़्यादा जाम हो रहा है ना, मतलब कि गाड़ी ही खड़ी है, मेरी गाड़ी जाने को ले जा सकता हूँ, बट इतना जाम पूछो मत भाई, वेस्ट ज़्यादा। मतलब जो स्कूटी पर टाइम मेरे को 45 मिनट्स दिखा रहा है, वो गाड़ी में 1.5 घंटा दिखा रहा है, और यहाँ से करोल बाग है भी दूर। तो मैंने कहा चलो भाई स्कूटी पर चलते हैं, फटाफट पहुँच जाएंगे और कम खर्चा। तो लेट्स रीच्ड, अब फटाफट चलते हैं और भैया का गेट खटखटाते हैं कि भैया पहुंच गए हैं। भाई देखो इस चोमू ने गेट खुला छोड़ा। ओह माय गॉड, पहचान लिया क्या गाइस? हां भाई, मैं तो आवाज भी नहीं करी भाई, तो गार्ड से कॉल आ मेरा। हैं भाई, इस बातें करने के बाद हम आ गए हैं मील खाने। मील का टाइम, ये मैं प्री वर्कआउट मील ले रहा हूँ, मतलब 1.5 घंटे पहले वर्कआउट से, जिसमें एग्स है, राइस है और आपका छोले की सब्जी है थोड़ी सी। तो ये लिया है, ये लेने के बाद वर्कआउट करना चाहेंगे। वो भाई उधर अपनी गर्लफ्रेंड से बता रहा है भाई, अबे कितनी बातें करेगा, कौन सी बड़ी चीज़ है प्यार। बड़ा प्यार निभा रहे हो। देखो 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 ये तो बता दो आज बैक और ट्राइसेप्स। तो क्या जिम के बाहर जब भी रहते हैं ना, तो क्या कहते हैं दोस्त, जिम के अंदर आके गुरु जी चल ऐसा हो जाता है। वर्कआउट लेके हो गया है, अब स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेच करेंगे पूरा का पूरा, बॉडी को ढंग से खोलेंगे। मेन पार्ट तो ही है स्ट्रेचिंग, बहुत ज़रूरी है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्ट्रेच करो, ढंग से खोलो बॉडी को, वार्म अप करो और फिर वर्कआउट पे जाओ। तो स्ट्रेचिंग और वार्म अप स्टार्ट करते हैं। सेट चालू हो गया गाइस, बैक के लिए वार्म अप सेट, जो कि थोड़ा सा आर्म को भी वार्म अप कर देंगे लाइट वेट से, मतलब ये हमारे लिए लाइट है। तो आप अपना देख रहे हो लाइट क्या है, तो 10 से 12 है, 10 से 12 में 3 से 4 सेट, ये सारे वार्म अप सेट्स हैं। वर्किंग सेट, थर्ड वर्किंग सेट बल्कि, 80 kgs, और मूवमेंट देखो, ये मूवमेंट, बैक कितनी आ रही है, क्या पॉइंट आ रहा है। इसमें कई लोग पूरा नीचे तक लेके जाते हैं यहाँ तक, जबकि लेके सिर्फ यहाँ तक जाना है, और वो भी पूरा मोमेंट सही रख के। ये मोमेंट है, बैक बिल्कुल नहीं नीचे है। जो लैट है ये ज़्यादा आगे जा सके, ताकि इसमें ग्रोथ अच्छी आए, मतलब कर्व कर लेते हैं हल्का सा, लैट ज़्यादा आगे जाएगी, और लैट ज़्यादा आगे जाएगी तो ज़्यादा एक्सटेंड होगी, पीछे जाते उतना ही स्क्वीज होगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज ये देखो, पूरी
बैक स्क्वीज हो रही है यहाँ पे। Back squeeze. तो गाइस ट्रेडर फ्लाई मशीन पर इसमें हम लोअर ट्रैप और रोम्बोइड टारगेट कर रहे हैं, तो हैंड ग्रिप देखो आप। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज बैक की, पर इसकी मूवमेंट देख लो, जो लैट्स हैं वो पूरी खिंच जाएगी और बैक एक ही जगह पर स्टेबल रहेगी, जो लोअर बैक है वो एक ही जगह पर स्टेबल रहेगी बट लैट पूरी नीचे रहेगी। तो यहाँ से देखो लैट बस लैट पूरी पर पूरी बैक यहीं पे है और स्क्वीज होना पीछे के, अच्छा स्क्वीज। उतनी नीचे आएगी जितनी आप स्ट्रेट नीचे ले जा सकते हो, ये देखो बस ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेके जाना, बस स्क्वीजिंग के लिए है मेन, यहाँ पर शेप रख स्क्वीज करो ढंग से, ये देखो बैक, ओह माय गॉड। खत्म और अब ट्राइसेप्स का स्टार्ट, देखो पुली पुश डाउन है बट एक नई ट्रिक के साथ, ट्रिक क्या बताता हूँ आपको, देखो ये गया एल्बो स्टार्टिंग में क्लोज होगी, बाद में एल्बो ट्विस्ट हो जाएगी, इस तरफ ट्विस्ट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा आएगा और ज़्यादा अच्छी ग्रो होगी ट्राइसेप्स। हाँ मतलब आपका ये वाला साइड वर्क करेगा और आपका ये वाला साइड वर्क करेगा, तो मतलब एक ट्रिक है, एक हैक है जो आप ट्राइसेप्स ग्रो करने में यूज़ कर सकते हो। इंक्लाइन बेंच पे लगा के थोड़ा सा आप अपनी मूवमेंट को और आइसोलेट कर सकते हो और ज़्यादा बेटर कर सकते हो, तो ये उसका वेरिएशन है हैवी वेट से। थर्ड एक्सरसाइज सिंगल हैंड हॉकी है, मूवमेंट वही से एल्बो हल्की आगे की तरफ यूज करेंगे ताकि जो आपकी मूवमेंट और अच्छी है और कुछ नीचे पूरा स्क्वीज, यहाँ देखो आप, ये देखो मूवमेंट पूरी नीचे और ज़्यादा फोर्स नहीं करना कंधे को, कंधे से बिल्कुल भी नहीं लेना, कंधे को लॉक करके अपना शोल्डर को लॉक करके ये मूवमेंट बनानी है।
I lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just no. Kickback, last exercise. और इसमें मूवमेंट देखना, पीछे जाके जो डंबल है वो ट्विस्ट हो रहा है और कोनिया अंदर रहेंगे, जो एल्बोज है वो अंदर. ये देखो पूरा डंबल ऐसे ट्विस्ट हो रहा है ताकि आपके जो अलाइन मूवमेंट आए बिल्कुल हिट करे प्रॉपरली. आइए क्या करना है भाई, हम तो बहुत थक चुके हैं तो हम सिर्फ अब थोड़ी सी साइड करते हैं मतलब पूरा वर्कआउट खत्म हो गया. फिनिशिंग टच. कितने कितने करें हमने बैक की? बैक के साथ एक्सरसाइज 4 सेट 28 सेट करें बैक के. हाँ. और 14 सेट के ट्राइसेप के, मतलब काफ़ी भाई. कितने सेट हो गए भैया? बहुत ज़्यादा सेट्स हो गए. तो गाइस रेस्ट कम लो, वॉल्यूम ज़्यादा निकालो और वर्कआउट खत्म करने के बाद पोस्ट वर्कआउट रोटी लिया. चलो भाई चलो मील लेना है बॉडी. हाँ थक गए यार, ये पीते हैं और घर चलते हैं. ये रही हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, ओट्स विद प्रोटीन. जैसे हम खाएंगे 80 ग्राम ओट्स है. ओट्स है, इन्हें खा के भाई बहुत थक गए, घर जाऊँगा. घर भी बहुत दूर है यहाँ से, 1 घंटे का रास्ता सीधा. शॉर्ट हो जाएंगे भाई घर जाते जाते. कोच साहब कच्चे ना भाई, कच्चे कच्चे भाई से बरोबर है. हाँ भाई से भाई निकलने का टाइम आ गया, अब घर निकलेंगे फटाफट क्योंकि रात के बज चुके हैं भाई 8 और मम्मी का फ़ोन आ चुका है, गालियों भरी वाली होगी डेड. तो निकलते हैं यहाँ से. और कुछ बोला तो नहीं ना मैं? नहीं कुछ नहीं बोला. ठीक है चलो भाई घर चलो. इसका घर देख लो भाई, एक्सपोज हो गया कच्चों में घूमता है. बाय बाय. Back in time, whoa, life will be new.